हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैंने बहुत दिनों से मिंत्रा का रिव्यू नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज आप सबके लिए मिंत्रा से मैंने कुछ ऑर्डर किए थे वो आपको सबको दिखाऊं और आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि कैसा है और कैसा ड्रेस आया है मेरा। मैंने दो ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, एक तो इस तरह का पिंक कलर का मैंने ड्रेस ऑर्डर किया है और ये येलो कलर का। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये कैसा आया है, इसकी फिटिंग कैसी है और इसमें कपड़ा कैसा आया है। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। ये है मेरा पार्सल जो कि मैंने बहुत दिनों से ऑर्डर कर रखा था। थोड़ा सा ये डिले आया है जस्ट बिकॉज ऑफ नवरात्र चल रहा है, तो उसकी वजह से ये पार्सल मुझे थोड़ा सा लेट रिसीव हुआ है। और अब स्टार्ट करते हैं, देखती हूँ मैं इसमें क्या आया है, आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी मैं। तो ये है मेरा पहला ड्रेस जो कुछ इस तरह से आया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें राउंड नेक है, पास ये देखिए दोस्तों, ये मेरा पहला ड्रेस आया है जो बहुत ही सुंदर आया है। इसकी फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक की इसका जॉर्जेट है, मिड लेंथ तक इसकी लेंथ है। ये देखिए इस तरह से कुछ। इसकी स्लीव्स की बात करें तो ये देखिए बहुत ही सुंदर स्लीव्स है इसके, राउंड नेक में बहुत ही प्रिटी लग रहा है ये। तो इसके साथ में बेल्ट भी आया, इसकी फिटिंग के लिए आप देख सकते हैं इस तरह से मैं पहन के अभी आपको दिखाऊंगी ये कैसा है। फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसकी प्रिंट मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। थैंक यू दोस्तों। अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। इसकी फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक की इसका जॉर्जेट है, मिड लेंथ तक इसकी लेंथ है। ये देखिए इस तरह से कुछ। इसकी स्लीव्स की बात करें तो ये देखिए बहुत ही सुंदर स्लीव्स है इसके, राउंड नेक में बहुत ही प्रिटी लग रहा है ये। तो इसके साथ में बेल्ट भी आया, इसकी फिटिंग के लिए आप देख सकते हैं इस तरह से मैं पहन के अभी आपको दिखाऊंगी ये कैसा है। फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसकी प्रिंट मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। थैंक यू दोस्तों। अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा दूसरा ड्रेस, बहुत ही सुंदर कलर आया है इसका, वी नेक में। इसकी स्लीव्स की बात करें तो ये पफ स्लीव है। फैब्रिक की बात करें तो इसकी फैब्रिक पॉलिस्टर है और ये मिड लेंथ तक का है ये ड्रेस। अब मैं आपको अपनी दोनों ड्रेस पहन के दिखाती हूँ कैसा आया है, इसकी फिटिंग किस तरह से आई है। तो चलो ये देखिए दोस्तों, ये मैं पहन के आ चुकी हूँ। परफेक्ट फिटिंग है इस ड्रेस की, बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पहनने के बाद में। परफेक्ट आउटफिट है डे के लिए, आप लंच के लिए अगर कहीं पर जा रहे हो तो ये अच्छे से कैरी कर सकते हो आप इस ड्रेस को। फैब्रिक इसकी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बजट फ्रेंडली ये ड्रेस है। ये डिस्काउंट के बाद में ये 594 का मिल रहा है, वैसे ये ड्रेस 3500 का था और अभी डिस्काउंट पे ये इतने बजट फ्रेंडली आ रहा है, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हो अपने लंच के लिए, अपने ऑफिस के लिए और कहीं मार्केट अगर जा रहे हो शॉपिंग के लिए तो आप इसको कैरी कर सकते हो बहुत अच्छे से। बहुत ही कम्फर्टेबल ड्रेस है ये आप देख सकते हैं, इसकी स्लीव्स कितनी सुंदर है, पफ स्लीव है इसकी और ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हमने देखा था ऑनलाइन वैसे ही ड्रेस है ये बिल्कुल। थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट ड्रेस है लेकिन इसके नीचे अस्तर लगा हुआ है तो आप इसको अच्छे से कैरी कर सकते हो डे के हिसाब से। बाकी सब कुछ इसमें मैं तो इसको परफेक्ट 10 out of 10 देने वाली हूँ। तो ये परफेक्ट आउटफिट है डे के लिए। अब मैं आपको अपना दूसरा ड्रेस पहन के दिखाने वाली हूँ किस तरह से आया है, इसकी लेंथ क्या है और फैब्रिक कैसा आया है। ये देखिए दोस्तों, ये ड्रेस पहन के आ गई हूँ मैं। परफेक्ट ड्रेस है ये नाइट के लिए, आप डिनर डेट पे जा सकते हो ये ड्रेस को पहन के। और ये वी नेक पे आप देख सकते हो कितना सुंदर है ये ड्रेस, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। थोड़ा सा ये रैप ड्रेस है लेकिन ये रैप ड्रेस काइंड ऑफ है। ये इसकी स्लीव्स देख सकते हो, ये पफ स्लीव्स बहुत अच्छी है, कलर इसका बहुत ही प्यारा है, मिड ड्रेस है ये। अब अपन फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक इसकी पॉलिस्टर है, बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है इसकी, बहुत ही सुंदर लग रहा है पहनने के बाद में, बहुत ही कंफर्ट है ये। दूसरी प्राइस वाइज बात करें तो ये 700 का ये ड्रेस मुझे आया था डिस्काउंट में और आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है पहनने के बाद में, इसकी कलर बहुत अच्छी लग रही है। तो अपना प्यार इस तरह से देते रहे दोस्तों, मैं आप सबके लिए नए नए वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।